हेलो दोस्तों, मैं आपका लेके आ चुका एकदम धमाका नया रिक्वायरमेंट कैपिटल लूट के हिसाब से। यहाँ पर आपको 200 रुपये इंस्टेंट आपके पेटमेंट पर रिसीव हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, जो जो स्टेप में बताता है आपको ना स्टेप में फॉलो करना होगा, तो आपको ना इजीली ना 200 रुपये आपके पेटमेंट में रिसीव हो जाएगा। यह ना पुराना मैं लाइव प्रूफ में आपके सामने ना ट्राई करके देखता हूँ मेरे को पैसा रिसीव होता है कि नहीं होता है कैंप लूट के हिसाब से। आपको कैंप लूट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वो आप क्लिक करके ओपन कर लेना। आपको यहाँ बोलेगा एंटर पेटीएम नंबर डाल के मैसेज स्क्रॉल करके सबमिट का बटन दिख रहा है, सबमिट बटन आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करोगे आपको प्ले स्टोर पर भेजेगा, तो बाजू में जो एप्लीकेशन दिख रहा है ना, ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना होगा। तो इसको ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर फोन नंबर मांगेगा, तो फोन नंबर आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट पर कैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर OTP आएगा, तो OTP आपको यहाँ पर फिलअप करके आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर कोड डालने के लिए बोलेगा, तो आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना कोड डाल देना। समझो सम कोड आपको ना कैंप लूट में भी मिल जाएगा और मैंने ना कमेंट में भी डाल दूंगा, वहाँ पर ना देख के आपको कोड डाल के अप्लाई के बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। अप्लाई के बटन पर कैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर 6 डिजिट का ना आपको यहाँ पर पिन डालना होगा। एक बार पिन डाल देगा फिर दोबारा आपको डालने के लिए बोलेगा, तो कंफर्म कर लेना जो सैमसंग पिन डाला था। फिर आपको फिर नेक्स्ट पर क्लिक करके आपको यहाँ पर पैन कार्ड का ना फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर डालने के लिए बोलेगा। तो आपको पैन कार्ड का नाम सुनकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक PDF का लिंक दे दूँगा, उसको डाउनलोड कर लेना होगा। फिर उसके ना डाउनलोड करके ओपन करके आपको यहाँ पर नाम मिल जाएगा, उसके बाद में आपको ना पैन कार्ड का ना नंबर मिल जाएगा। तो आपको देखो फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर जो बोला था वहाँ पर ना डाल देना, फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करके आपको जो नाम रहा था उसके बाद में आपको नंबर मिलेगा पैन कार्ड का, और नंबर आपको यहाँ पर डाल के नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट पर कैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर बर्थडे डालने के बोलेगा, तो बर्थडे ना अपना रैंडम से कोई भी डाल सकते हो 50 साल के ऊपर वाला। उस पर आपको ईमेल एड्रेस डालने के लिए बोलेगा, तो ईमेल एड्रेस डाल देना। उस पर आपको जेंडर सेलेक्ट करने के लिए तो जेंडर सेलेक्ट कर लेना। उसके सबसे लास्ट में आपका जिप कोड पूछेगा, मतलब कि आपका एरिया का पिन कोड, हाँ तो वो डाल देना। आपको नहीं पता होगा तो आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको वहाँ पर भी मिलेगा आपका एरिया का कोड। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना तो नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। फिर आप नेक्स्ट पर सर्च करोगे आपका साइन अप सक्सेसफुल हो चुका होगा। मैं पेटीएम खोल के देखा ना कि मेरे को 200 रुपये रिसीव हो चुका था, और भी कैंप भी लूट की तरफ से, और ये पेमेंट मेरे को 5 मिनट में रिसीव हो चुका था मैं पेटीएम वॉलेट में।